हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज एक बार फिर से 12 सीरीज के लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड और उसके टाइप्स के साथ साथ डेवलपिंग मेथड के साथ हाजिर हो गया हूं। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरी सीरीज को, पूरे जो है चैप्टर को जरूर अच्छे से आप देखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, गति क्या होती है? स्पीड जो होता है, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट। कितनी तेजी से किसी भी काम को हम कर सकते हैं, वही हमारी स्पीड होती है। मींस, अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में देखा जाए तो हम अपने बॉडीली मूवमेंट को एक रेट फिक्स कर लेते हैं कि इस रेट पे अगर हम कोई एक पर्टिकुलर रेट पे अगर हम बॉडी मूवमेंट, फास्टर रेट जो होता है, उस रेट पे अगर हम बॉडीली अपना मूवमेंट अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड को हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आज इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले टाइप्स के कि क्या कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके फाइव टाइप्स होते हैं। फाइव टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका स्टार्टिंग स्पीड। स्टार्टिंग स्पीड जिसको कि रिएक्शन टाइम हम बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी से जब हम आगे बढ़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम कोई रेस्ट में है तो उस कंडीशन में जीरो होती है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारा रिएक्शन टाइम होता है। जैसे सपोज करिए कोई अगर एथलीट है, वो क्या करता है कि जैसे ही वो ट्रैक पे अगर है, कोई किसी भी तरीके की, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग हो, अगर उस कंडीशन में वो क्या होता है कि अगर ट्रैक पे अपना जो है स्टार्टिंग पोजीशन लिया हुआ है, तो जैसे ही सिग्नल होता है, जैसे ही गन फायर होता है, जैसे ही विसिल ब्लो होती है, उस कंडीशन में जैसे ही वो अपने इनिशियल वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्टार्टिंग स्पीड, या उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ये बहुत ही जो है, ये एकदम स्टार्टिंग में जैसे ही वो रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको बोला गया है रिएक्शन टाइम। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आता है एक्सिलरेशन स्पीड। नाम से ही स्टूडेंट्स क्लियर हो जा रहा है, एक्सिलरेशन स्पीड मीन्स क्या होता है। एक्सिलरेशन स्पीड का मतलब होता है कि जब हम अपने मैक्सिमम स्पीड को पाने के लिए हम जो है जो टाइम टेकन करते हैं, जो भी हम टाइम लेते हैं, वही हमारी क्या कहलाता है, एक्सिलरेशन स्पीड। सपोज करिए हमें क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 100 मीटर की, अगर हम सपोज करिए रनिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, वो रिएक्शन टाइम होगा। फिर उसके बाद अपनी हम मैक्सिमम जो हमारी बॉडी के जो है, हमारे इंडिविजुअल की जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, उसको सपोज करिए वो अगर हमारे क्या कहते हैं 20 किमी पर आर है, उस कंडीशन में अगर 20 किमी पर आर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शन टाइम से हम एक्सेलरेट करके जब हम अब 20 किमी पर आर की स्पीड को अचीव कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ये बीच का जो कहलाता है, जब हम 0 से 1, 2, 3, 4, 5 एंड जो है 20 तक पहुंचते हैं, तो ये कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन स्पीड कहलाता है। इसके बाद तीसरा जो आता है स्टूडेंट्स, तीसरा अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो आता है वो मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है अगर रोल देखा जाए तो बेसिकली आपके रेसलिंग में, आपके बॉक्सिंग में देखा गया है कि जब हम क्विकर रेट पे एकदम बहुत तेजी के साथ हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में मूवमेंट करते हैं, जैसे अचानक से किसी को पंच मारना हो बॉक्सिंग, उस कंडीशन में क्या होगा, तो बॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पंच मारना है, तो क्या किया हमने, क्विकर रेट से अपने जो है क्या कि आपने जो है बॉडी के अंदर मूवमेंट किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मूवमेंट स्पीड। इस जो होता है ये स्पेशली जो है आपके रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन्हीं सब में, जूडो, ताइक्वांडो, इन सब में देखने को ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद आता है आपका मेंटेनिंग टॉप स्पीड। मेंटेनिंग टॉप स्पीड जिसको लोकोमोटर एबिलिटी भी बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अभी हमने अगर हमने बताया कि किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आर है, उस कंडीशन में क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आर की कंडीशन में, तो अगर वो यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करता है, इन दैट सिचुएशन वो हो जाएगी उसकी स्टार्टिंग स्पीड, फिर वो एक्सेलरेट करते करते सपोज करिए वो 60 मीटर पहुँचता है, उस कंडीशन में वो अपना 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड को अचीव कर लेता है, तो ये बीच की उसकी कहलाएगी एक्सेलरेशन स्पीड। लेकिन
कुछ डिस्टेंस ऐसी होगी जहां पर सपोज करिए वो 60 टू 90 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 60 टू 90 मीटर वो क्या करता है, वो 20 किलोमीटर पर आर के स्पीड से वो रनिंग करता है। यही कहलाती है उसकी लोकोमोटर एबिलिटी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसमें, क्योंकि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, इवन फुटबॉल और हॉकी में भी सपोज करिए बॉल लेके हम तेज़ी के साथ दौड़ते जाते हैं तो अपनी वहाँ पर क्या होती है कि ड्रिबल करते हुए मैक्सिमम स्पीड जो होती है हमारी मेंटेनिंग टॉप स्पीड, उसमें हमें तेज़ी के साथ दौड़ना होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेंटेनिंग टॉप स्पीड या लोकोमोटर एबिलिटी। तो जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडिविजुअल्स गेम्स के लिए। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा, वो आता है स्पीड एंड्यूरेंस। इसको हम पहले के भी चैप्टर टॉपिक में पढ़ा चुके हैं जिसमें कि हमने बात किया था एंड्यूरेंस में, एंड्यूरेंस वाले टॉपिक को पढ़ाते समय भी हमने बताया था कि स्पीड एंड्यूरेंस। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जब होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, एनर्जी को जो है आगे के लिए सेफ रखने के लिए, ताकि वो धीरे धीरे हम उसको यूटिलाइज कर सकें, उस कंडीशन में क्या होती है कि हम उसको एंड्यूरेंस के साथ हम अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं, स्टेडी पोजीशन में कर देते हैं। एक फिक्स रेट से हम जो होते हैं वो हम रनिंग करने लगते हैं, फिक्स रेट से हम जो होते हैं एक फिक्स स्पीड से हम दौड़ने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा एंड्यूरेंस इंक्रीज होता है। तो उस कंडीशन में तो हमें एंड्यूरेंस के लिए जो होता है स्पीड और एंड्यूरेंस दोनों ज़रूरी होते हैं। चाहे स्पीड की बात करें तो एंड्यूरेंस के लिए ज़रूरी है, और एंड्यूरेंस की अगर आप बात करें तो स्पीड ज़रूरी होता है। इसीलिए नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है स्पीड एंड्यूरेंस, जहाँ पर कि हम स्पीड को यूज करते हैं एंड्यूरेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो होते हैं 5 टाइप हैं, स्टार्टिंग स्पीड जहां पर कि हम इनिशियल वेलोसिटी से आगे इनिशिएट करते हैं, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन स्पीड जिसमें कि हम अपनी जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसको अचीव करने के बीच में जो टाइम टेकन होता है, जो स्पीड होती है वही हमारा एक्सेलरेशन स्पीड कहलाती है। इसके बाद आता है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड की बात करते हैं तो अगर हम कोई भी हम बॉडीली मूवमेंट जो होता है उसको अगर हम करते हैं परफॉर्म करते हैं तेज़ी के साथ, जैसे हमने बताया जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सब में कोई भी पर्टिकुलर हम बॉडी पार्ट को हम तेज़ी के साथ मूव कराते हैं तो उसको बोलते हैं मूवमेंट स्पीड। इसके अलावा आता है मेंटेनिंग टॉप स्पीड, जहाँ पर कि लोकोमोटर एबिलिटी भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स ये लोकोमोटर एबिलिटी ही डायरेक्ट लिखा गया है, तो इसका मीन वही है मेंटेनिंग टॉप स्पीड, जहाँ पर कि हम अपनी मैक्सिमम जो हमारी सबसे टॉप स्पीड है उसे पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए मेंटेन करते हैं। कुछ देर तक हम वो डिस्टेंस स्पीड को मेंटेन किए रहते हैं तो उस कंडीशन में ये कहलाता है आपका मेंटेनिंग टॉप स्पीड। और इसके साथ लास्ट आता है स्पीड एंड्यूरेंस, जहाँ पर कि हम एंड्यूरेंस से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए अपनी स्पीड को हम यूज करते हैं। कहाँ ज़्यादा हमें यूज करना है, कहाँ कम यूज करना है, ये हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका स्पीड और उसके टाइप। इसके साथ साथ बोर्ड के पर्पज से अगर देखा जाए तो ये इसके डेवलपमेंट मेथड के बारे में भी जरूर पूछा जाता है कि हाउ टू डेवलप द स्पीड, अपनी स्पीड को, या राइट द डेवलपमेंट मेथड ऑफ स्पीड। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो इस तरीके होते हैं। पहला आता है आपका एक्सीलरेशन रन स्पीड रन मेथड और दूसरा पेस रनिंग मेथड। ये दो ही मेथड होते हैं जो कि हमारे स्पीड को बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सीलरेशन रनिंग मेथड की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन रनिंग मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज करिए हम इसमें क्या करते हैं 800 मीटर तक इसमें लेते हैं, 800 मीटर तक, तो हम क्या करते हैं कि बार बार हम क्या करते हैं कि अपने उस मैक्सिमम एबिलिटी यानी जो हमारी लोकोमोटर एबिलिटी थी हम एक्सेलरेट करते हैं, जितना हम फास्टर रेट में हम कर सकते हैं बार बार एक्सेलरेट करते हैं 800 मीटर तक की डिस्टेंस को लेते हैं और इसको बार बार इसका रिपीटेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि एक्सेलरेट करते 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 धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ने लगती है। सपोज करिए अभी हम जो है एक्सेलरेट करते करते हमारी मैक्सिमम स्पीड, कोई भी अगर स्टूडेंट्स कोई भी
एथलीट अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन स्टार्ट करता है तो वो इस उसके जो है स्टार्टिंग एज की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग फेज की अगर हम बात करते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन रनिंग मेथड अगर हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो एक बहुत अच्छा मेथड होता है एक्सेलरेशन रनिंग मेथड। उसके बाद दूसरा आता है स्टूडेंट पेस रनिंग मेथड। पेस रनिंग मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पेस हम डिसाइड करते हैं। पेस का मतलब होता है स्पीड। एक हम पर्टिकुलर स्पीड को हम फिक्स करते हैं वहां पर, और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम डिस्टेंसेस को क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए 100 मीटर हमने क्या कर लिया स्प्रिंट। 100 मीटर जब हम स्प्रिंट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को यूज करते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमने एक फिक्स कर लिया है कि इसी स्पीड के साथ हमें दौड़ना है, इतनी स्पीड को हमें मेंटेन रखना है। उसके बाद क्या होता है फिर 100 मीटर की हम रनिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 100 मीटर की रनिंग और 100 मीटर के स्प्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि 100 मीटर की जो हम पेस रनिंग कर रहे हैं वो स्प्रिंट ही हो। उसके लिए हम अपना इंडिविजुअल हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी स्पीड के साथ दौड़ना होता है। तो पर्टिकुलर अगर हम पेस जो होता है, हम स्पीड अगर फिक्स करके दौड़ते हैं, कुछ देर तक हम वो स्पीड मेंटेन करते रहते हैं। इसको मेजर करने के लिए क्या होता है कि जैसे सपोज करिए एक पर्टिकुलर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, किस तरीके से ये मेजर किया जाता है पेस रनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो उस कंडीशन में सपोज करिए अगर हमने बताया कि अगर हमारी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है, तो उसके बाद क्या होता है कि अब सपोज करिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से या तो हम पहले से स्टार्ट करें, और या तो जहां पर हमने क्या किया स्टार्टिंग में हमारा रिएक्शन स्पीड होगा फिर एक्सेलरेशन स्पीड होगा। सपोज करिए यहां से हम 20 किलोमीटर पर आर की हमारी स्पीड हम अचीव करते हैं, अब उसके बाद यहां से ले के जहां तक हमारी जो होगी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड होती है वो डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है, या एक डिस्टेंस फिक्स करके वहाँ तक उसी स्पीड के साथ दौड़ने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये पेस रनिंग मेथड होता है जहाँ पर कि हम एक पर्टिकुलर स्पीड को फिक्स करके हम दौड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो तरीके हैं डेवलपमेंट मेथड के, एक एक्सेलरेशन रन मेथड और दूसरा पेस रनिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम के अगर पर्पस से देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे हमने अभी एंड्योरेंस की बात किया, चाहे स्ट्रेंथ की बात किया, चाहे स्पीड की बात कर रहे हैं, सब में से कोई एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड के पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें व्हाट इज स्पीड्स देयर टाइप्स एंड देयर डेवलपिंग मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली हमने बता दिया कि स्पीड क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, और उसके डेवलपमेंट मेथड क्या होते हैं। होप कि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि ये बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।